नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पहाड़ी बाइक राइडर में। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रामनगर के जिम कॉर्बेट, जो म्यूजियम है यहाँ पे, काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी पुराना म्यूजियम है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है ना, सच में काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल वाला आइकन है इसे भी प्रेस करें। इससे ये होगा कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, आप इजीली हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यार बरसात का मौसम है, बारिश काफ़ी तेज़ लगी हुई है और जो मेरा एक्शन कैमरा है फिलहाल मैंने उसे वाटरप्रूफ केसिंग में रखा हुआ है। तो अभी मुझे भी नहीं मालूम कैसा व्यू आ रहा होगा, अगर व्यू अच्छा आएगा तो मैं जो राइड है लंबी रखूँगा, अगर व्यू अच्छा नहीं आएगा तो मैं छोटी राइड रखूँगा। तो दोस्तों, यार बारिश काफ़ी तेज़ है, मैं काम करता हूँ, कहीं पर रुकता हूँ और बारिश जैसी बंद होती है फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सभी भाई गर्जिया के लिए जा रहे थे और हम म्यूजियम के लिए, तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई, हम सब यहाँ पर रुके हुए हैं, ये देख लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, बारिश काफ़ी तेज़ आ रही है, हम सभी यहाँ पे रुक चुके हैं और देखिए मेरे साथ अभी कितने जने यहाँ पे वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का। और ये सभी कोई गर्जिया जाने वाला है, कोई म्यूजियम जाने वाला है और कोई लॉन्ग राइड पर जाने वाला है, ये सभी हैं, देख लीजिए। और इन सभी से ही मेरी बात हुई है, अगली जो राइड रहेगी हमारी तुंगनाथ की रहेगी, इन सबके साथ रहेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उस वीडियो उस ब्लॉग को भी ज़रूर देखना। कुछ बोलो जी, बोले भाई बोलो बोलो, तमन्ना पूरी करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाइयों बारिश रुक चुकी है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे करीबन एक से डेढ़ घंटा हमारा बर्बाद हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नाला आया हुआ था, काफ़ी तेज़ बहाव का नाला आया हुआ था, तो हमें रुकना पड़ा यहाँ पे। चलिए दिखाते हैं आपको कैसा नाला आया हुआ था। पहला नाला तो ये था, ये भी काफ़ी तेज़ी में था, बट अब थोड़ा सा कम हो चुका है, ये हल्का मुल्का था। और इसके बाद जो नाला आ रहा है ये काफ़ी तेज़ बहाव का था, यानी आप यकीन नहीं करेंगे, अगर हम इसे पार करते तो बहने का खतरा बना हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे रुके यार, क्योंकि जान है तो जान है, जान बची तो लाखों पाए, रुके यार हम यहाँ पे। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे कपड़े और साथ में जो हमारे जूते हैं पूरे भीग चुके हैं, फिर भी यार हम आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि हमें आपको जो म्यूजियम है रामनगर का, जिम कॉर्बेट का, वो हमें आपको दिखाना है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं म्यूजियम में और ये है धनगढ़ी का इलाका, यहीं पे म्यूजियम है जो काफ़ी फेमस म्यूजियम है। और ये है इसका फ्रंट गेट, जैसे कि आप देख सकते हैं, और कुछ लोग शायद म्यूजियम देख के आ भी गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और हम शुक्रगुजार हैं उस पेंटर का जिसने ये कलाकृति बनाई है, बहुत ही अच्छी कलाकृति है। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो संस्कृति है उत्तराखंड की पूरी दिखा दी है अपनी कलाकृति के द्वारा, ये देख लीजिए। और यहाँ पे माँ नंदा देवी राजजात जो होती है उसका भी जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अंदर का भी दिखाता हूँ आपको। जेम्स कॉर्बेट जी के नाम पे ही जिम कॉर्बेट रखा गया है और ये जो प्रतिमा है जेम्स कॉर्बेट जी की है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। बड़ी रिस्क के बाद जान हथेली में रख के यहाँ तक पहुँचे हैं और यही है म्यूजियम जो जिम कॉर्बेट रामनगर में है। चलिए बढ़ते हैं आके, दिखाते हैं आपको कैसा है अंदर। और दोस्तों ये है यहाँ का प्रवेश द्वार, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसे रिसेप्शन भी कहते हैं, यहीं से अंदर जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको।
कॉर्बेट म्यूजियम पार्क, ये शुरुआती दिनों में ऐसा था, अब देखिए काफ़ी इसको मॉडिफाई किया है। देखने के आज देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि ये पहले ऐसा था। जिम कॉर्बेट, इन्हीं के नाम पे ये जिम कॉर्बेट म्यूजियम है। बाप और बापू के अलावा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समृद्ध जैव विविधता का घर है। कॉर्बेट का गांव मतलब ये काला ढूंगी में भी एक जिम कॉर्बेट पार्क है, जिसको छोटी हल्द्वानी के नाम से भी जाना जाता है। जिम कॉर्बेट म्यूजियम है। वहाँ पे कॉर्बेट This beautiful landscape is enhanced by the roar of magnificent tigers, the trumpets of the majestic elephants, and the music of the flowing river Rangala. Apart from tigers and elephants, the Corbett Tiger Reserve is home to rich wild diversity. Your visit to this center. दोस्तों यहाँ पे आप जितने भी कंकाल देखेंगे जीव जंतु के, ये सभी जिम कॉर्बेट जी द्वारा मारे गए और जिन्हें आज एक संग्रह की तरह रख दिया गया है और जिसे हम म्यूजियम भी कहते हैं, म्यूजियम पे संभाल के रखा गया है। आप तो जानते हैं जिम कॉर्बेट जी महान शिकारी के। और आपको बता दूं, ये जो म्यूजियम है रामनगर का, काफ़ी फेमस म्यूजियम है, देश विदेश से यहाँ पे लोग इसे देखने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू यहाँ पे दिया गया है यहाँ के जो म्यूजियम है उनके द्वारा। ये देखिए एक प्रतिमा बनाई गई है जिम कॉर्बेट जी द्वारा एक शिकार करते हुए, देखिए काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे देखने में। देखिए आप जो मेरे पीछे कंगाल देख रहे हैं, जो एक कंगाल है, ये हकीकत का है, ये जिम कॉर्बेट जी के जी द्वारा मारे गए हैं। दोस्तों ये कोई बाघ का कंगाल है, शायद इसे कॉर्बेट जी द्वारा मारा गया और इसे यहाँ पे रख दिया गया। काफ़ी बड़ा कंकाल आप देख सकते हैं और अभी आपको जो मैं दिखा रहा हूँ इसके माध्यम से आप इस कंकाल के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको ये पूरा कंकाल है इसे दिखाता हूँ, आप भी देख लीजिए। और यहाँ पे आप आते हैं तो पूरी मैपिंग देख सकते हैं, देखिए मैप है पूरा, मैं डाल दूंगा वीडियो में, आप पूरा घूम सकते हैं इस मैप के जरिए। और अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये उन जीव जंतुओं के भ्रूण हैं जो पैदा होते ही मर गए हैं और इनके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, ये किस जीव जंतु के भ्रूण हैं और ये कब मरे हैं, कौन सी इनकी प्रजाति है, ये सब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं।
सुंदर प्रकृति की हुई है देखिए प्रोजेक्टर के थ्रू। ये देखिए पूरा प्रोजेक्टर के थ्रू ये यहाँ पे मछलियाँ आपको दिखेंगी चलती हुई, और ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। आप देख रहे हैं तालाब में किस प्रकार मछलियाँ तैर रही हैं, ये सब उस प्रोजेक्टर का कमाल है जो यहाँ पे लगा हुआ है। दिखा देते हैं आपको, ये देख लीजिए प्रोजेक्टर लगा हुआ है और इसी के माध्यम से यहाँ पे मछलियाँ आपको तैरती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सजा हुआ है, देखिए पूरी घास रखी हुई है नीचे, जो मैट भी है पूरी हरी है, पूरी घास की तरह है। काफ़ी अच्छा महसूस करवा रही है, ऐसा लग रहा है कि वाकई में हम सच में किसी कॉर्बेट में किसी जंगल में आ चुके हैं। देखिए ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये हकीकत के पेड़ हैं जिन्हें काटा गया है अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से। ये जो यहाँ पे माहौल जो यहाँ पे बनाया गया है काफ़ी, ये देखिए बड़ी सी LED लगी हुई है और यहाँ पे एक कैमरे के थ्रू दिख रहा है देखिए। और आप देख सकते हैं देखिए ऐसा लग रहा है कि सच में कोई भालू हमारे सामने से जा रहा है, ये देख लीजिए। सच में यार बड़ी तमन्ना थी यहाँ पे पहुँचने की, आज हम पहुँच चुके हैं और बड़ी मेहनत करी हमने, काफ़ी नाले हमने क्रॉस किए हैं, जान हथेली पे रख के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये क्या आया भाई पीछे से? अरे शेर है यार। अरे बाय गॉड शेर, चलो 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 भागो यहाँ से। तो यार देखिए काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं फुल मस्ती के साथ, काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। और मैं आप सबसे चाहूँगा एक बार आप भी ज़रूर आएँ, काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है ये जो म्यूजियम है, काफ़ी फेमस है। तो आप सभी आएँ यहाँ पे, देखिए आप फुल एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। फीलिंग जो फीलिंग है यहाँ पे पूरी जंगली जानवर वाली है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको लगेगा कि हम किसी जंगल में आ चुके हैं और आपके सामने जंगली जानवर आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं और कुछ। ये देखिए डायनासोर आते हुए आप देख सकते हैं। पूरी फीलिंग यहाँ पे जो जंगल वाली है वो है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको पूरा जंगल का जो फीलिंग है वो महसूस वो ही महसूस होती है। ये देखिए और अभी हम दूसरे रूम में जा रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए क्या क्या है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो टाइगर हैं उनके पैरों के निशान भी बनाए गए हैं। ये देखिए और ये देखिए सच में ऐसा लग रहा है किसी जंगल में है और कोई बाघ या टाइगर हमें देख रहा है, ऐसा ऐसी जो फीलिंग है यहाँ पे भी आ रही है। ये देखिए पूरा जो व्यू यहाँ पे दिया है बेहतरीन लाजवाब व्यू दिया गया है और साथ में म्यूजिक सिस्टम भी यहाँ पे दिया है कि अगर आदमी आता है यहाँ पे तो बोर नहीं होगा। और ये कुछ यहाँ पे टेबल्स टाइप की लगी हुई हैं, यहाँ पे टेबल भी कह सकते हैं या एक बाउंड्री लाइन भी कह सकते हैं, ये यहाँ पे रखे हुए हैं और ये सब इनके बारे में लिखा हुआ है कौन कौन से यहाँ पे जंगली जानवर हैं, इन जंगली जानवरों के नाम ये सब चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं देखिए। तो चलिए हमें समय थोड़ा कम है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए आप ये पूरा यहाँ पे अंदर का व्यू है, काफ़ी बड़ा है यार, एक डेढ़ घंटे में आप पूरा घूम सकते हैं यहाँ पे। अगर आप सोचते हैं कि मैं यार 15-20 मिनट में घूम लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा है क्योंकि हमें भी करीबन आधा घंटा हो चुका है यहाँ पे आते आते। ये एक यहाँ पे देखिए एक टाइगर रखा गया हुआ है, ये साथ में उसका एक बच्चा भी है, काफ़ी अच्छा जो फीलिंग है यहाँ पे जो आ रही है हमें।
तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, दिखाता हूँ आपको और कुछ। और थोड़ा सा क्लियर करके यार, ये यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं इन्होंने, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। वैसे तो मैं चाहूँगा आप गूगल कर लें या फिर विकिपीडिया पे पढ़ लें, वो इजी होगा। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, जो यहाँ का 3D रूम है जहाँ जीव जंतुओं को दिखाया जाता है LED के माध्यम से, और पूरा 3D रूम है। आप आएंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, वहाँ पे आपको पूरा जो व्यू है या पूरा जो साउंड है वो ऐसा लगेगा कि सच में ही आप किसी जंगल में हैं। और आपको 3D क्लास दे दिए जाएंगे, तो 3D क्लास लगाते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि सच में ही हम जंगल में बैठे हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, वो भी दिखाते हैं। बरसात के मौसम में, और यहाँ पे ये दिखाया गया कि बरसात में कैसा माहौल रहता है जंगल का। बिजली चमक रही है, आप देख सकते हैं बिजली चमक रही है, देख सकते हैं आप। तो अंधेरा है काफ़ी, यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिसके थ्रू आप 3D जो जीव जंतु हैं उसके बारे में देख सकते हैं। और यहाँ पे हम बैठे हुए थे, और यहाँ पे आपको पूरे उत्तराखंड का या पूरे रामनगर के फोटोज हैं जो यहाँ पे घूमने लायक जगह हैं, ये सब यहाँ पे बनाए हुए हैं। देखिए ये सभी फोटोज हैं जिन्हें LED के माध्यम से थोड़ा चमकाया गया है, और ये पूरा मैप है देखिए जिसे मिट्टी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो फीलिंग है, यहाँ पे जो पूरी यहाँ पे ग्रामीण की आने वाली है, देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पे बनाया गया है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्रामीण के जो लोग हैं कैसे निवास करते हैं जंगल में। यहाँ पे सब कुछ है, आप पूरी फीलिंग यहाँ पे ले सकते हैं। मैं वीडियो में दिखा दूँगा आपको कैसा है और कैसा बनाया गया है। और यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग के कोई लोग भी यहाँ पे खड़े किए हैं, पुतला है ये, कोई आदमी नहीं है, बट ये महसूस करवाता है कि जंगली जानवरों में या किसी फॉरेस्ट में कैसा रहते हैं। और यहाँ पे पक्षी गैलरी नाम का कोई LED ऐप का रखा गया है जिसका जो डिस्ट्रीब्यूट है वो जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई उससे शायद कनेक्ट होंगी आपस में। और यहाँ वाला जो एरिया है देखिए, यहाँ पे पूरी जो फीलिंग है एक ग्रामीण गांव की वाली, गांव वाली आने वाली है। देखिए चौकीदार भी है, और यहाँ पे एक लेडी भी बिठाई गई है जो घर का काम कर रही है, और छोटी सी कुटिया बनाई गई है देखिए। मेरे पीछे जो ये डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप अगर बटन प्रेस करते हैं तो ये जो पक्षियाँ यहाँ पे जो नंबर से पक्षियाँ दी, ये सभी आवाज़ निकालेंगे आपके बटन दबाने से। चलिए प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। हरिओम जी दबाइए। तो ये है देवों की भूमि उत्तराखंड रामनगर का जिम कॉर्बेट, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि बटन दबाने से किस प्रकार आवाज़ करती हैं ये। ये देखिए आवाज आई, तो चलिए और कुछ दिखाता हूँ। दोस्तों अब हम जाने वाले हैं एक ऐसे रूम में जहाँ पर आपको रात्रिकालीन जो दृश्य होता है जंगलों का वो कैसा होता है वो महसूस होगा आपको। वहाँ पे बैठ के आप वहाँ पे खड़े होके जैसे भी देख सकते हैं रात में क्या होता है, कैसे जंगलों में आवाज़ आती है वो वहाँ पे अनुभव कर सकते हैं आप। वाह वाह, यानी पूरी फीलिंग नाइट वाले आने वाले। हाँ जी हाँ जी, तो चलिए देखते हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें यार, आज का ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है सच में। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
यहाँ पे दोस्तों थोड़ा लाइट की कमी है क्योंकि जो यहाँ पे माहौल क्रिएट किया है पूरा जंगल वाला किया गया है, तो मुझे लगता है शायद आपको थोड़ा सा धुंधला दिखेगा। ये देखें यहाँ पे एक मगरमच्छ रखा गया है, ये देखिए, और मुझे लगता है ये वही मगरमच्छ है जो काल मूवी में शूट हुआ था, या शायद हो सकता है काल मूवी में इसे लिया गया हो। और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पर्यटक आते हैं, देखिए। और जो भी आप ये फोटोज देख रहे हैं इनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, बखूबी बताया भी गया है, तो आया बाहर ही खड़े हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मगरमच्छ रखा गया है, देखिए मोर भी है, और जितने भी यहाँ पे ये रखे गए हैं बना के जितने भी जीव जंतु उन सब की फ़ोटोज़ यहाँ पे दी गई है। देखिए मैं दिखाऊंगा अभी आपको, और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मगरमच्छ है, सभी हैं यहाँ पे, देखिए। ये देखिए ऊपर पक्षी बैठा हुआ, देखिए। सच में यार मैंने मेहनत तो करी है मैंने नाले तो क्रॉस किए हैं, बट दिल खुश हो गया यहाँ पे आके।